हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर रौनक, होम्योपैथिक फिजिशियन एट मनस्वी होम्यो क्लिनिक सीकर। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं बीमारियाँ और उनकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अस्थमा के लिए सबसे महत्वपूर्ण दवाई, सबसे इम्पोर्टेंट दवाई, जो कि अस्थमा के केसेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। वो एक दवाई ही आपकी अस्थमा की जो कंप्लेंट्स है उनको 50% तक कम कर सकती है, कुछ लोगों में तो पूरी तरह से क्योर भी कर सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अस्थमा क्या है, कैसे इसके सिम्टम्स रहते हैं, किस वजह से इसके सिम्टम्स आते हैं, तो अस्थमा एक हमारी फेफड़ों की से संबंधित बीमारी है, जिसमें कि पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, ऐसे में अस्थमा के पेशेंट की कंप्लेंट्स है वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। अस्थमा में सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, छाती बहुत भारी लगने लग जाती है, एक वीजिंग साउंड, सीटी जैसी आवाज़ सांस लेने के साथ में आती है। कुछ लोगों में फेफड़ों से ऐसे एकदम से घरघराहट जैसी आवाज़, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा कफ जम गया हो। इनके साथ में खांसी रह सकती है, सूखी या फिर बलगम वाली खांसी। अस्थमा की ये दिक्कतें हैं, ये काफ़ी सारे लोगों को रात में ज़्यादा होती है, या फिर जब टेम्परेचर कम होता है, किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पर उन्हें सीधा ठंडी हवा उनको लगती है, या फिर कुछ ऐसी स्थिति में एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर लेते हैं। काफ़ी सारे जो एलर्जीज हैं, जिन लोगों को डस्ट से, धूल धुआं से एलर्जी होती है, उनको भी ये अस्थमा के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। या फिर वे लोग जिनको किसी तरह की कोई स्ट्रोंग स्मेल से एलर्जी है, किसी तरह की कोई पेंट की स्ट्रोंग स्मेल हो, या फिर कोई और तीखी स्मेल हो जो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनको ये सांस से संबंधित सिम्टम्स है आने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में होम्योपैथी में एक मेडिसिन है ब्लाटा क्यू, ब्लाटा ओरिएंटेलिस मदर टिंक्चर फॉर्म में, ऐसी स्थिति में काफ़ी अच्छा काम करती है। अगर आपको ये ऊपर बताए हुए सारे सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं, अस्थमा आपको सालों साल से बना रह रहा है और आपका अस्थमा ठीक नहीं हो रहा है, तो ब्लाटा ओरिएंटेलिस, जो कि इंडियन कॉकरोच से बनी हुई एक मेडिसिन है, आपकी काफ़ी अच्छी हेल्प कर सकता है। जैसे ही आपको अस्थमा का अटैक आता है और आपको पंप लेने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही आपको ब्लाटा मदर टिंक्चर की 5 बूंदें आधे कप पानी में घूंट घूंट कर कर पीनी है। 15 मिनट बाद दोबारा से आपको अगर रिलीफ नहीं लग रहा है तो आपको दोबारा से रिपीट करनी है। 3-4 बार रिपीट करने के बाद में आपको पंप की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, आप देखेंगे कि ब्लाटा ने आपके लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। अगर आपको सडन अटैक आता है तो मदर टिंक्चर है वो आपको ऐसे थोड़े थोड़े टाइम में, 15 से 20 मिनट के ड्यूरेशन में 3 से 4 बार यूज करना है, और उसके बाद में 10-10 बूंदे दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम आपको यूज करना है। अगर आपकी अस्थमा की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रोनिक है, काफ़ी सालों से आपको अस्थमा की दिक्कत है, तो आपको अस्थमा के लिए ब्लाटा मेडिसिन है वो डाइल्यूशन में लेनी है। ब्लाटा ओरिएंटेलिस 200 पोटेंसी में आपको दिन में 1 बार सुबह सुबह लेनी है। थोड़े टाइम के लिए इस मेडिसिन का उपयोग करें, आपको आपके अस्थमा के सिम्टम्स में काफ़ी रिलीफ देखने को मिलेगा। अस्थमा के लिए होम्योपैथी में बाकी और भी मेडिसिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आर्सेनिक एल्बम, बेलेडोना, एंटीमोनियम टार्ट, इपिकाक, ये मेडिसिन भी काफ़ी अच्छा असर दिखाती हैं अस्थमा के केसेस में। इन मेडिसिन से रिलेटेड हमने एक डिटेल वीडियो थोड़े टाइम पहले बनाया था, उसको आप दोबारा से जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपके सिम्टम्स इन मेडिसिन से मैच होते हैं तो आप ये दवाएं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मेडिसिन लेने से पहले अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। आपके सिम्टम्स के आधार पर जो आपके लिए सबसे सही सुटेबल मेडिसिन होगी, आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, ताकि आपकी कंप्लेंट्स में काफ़ी जल्दी रिलीफ लाया जा सके। अगर आप हम लोगों से कंसल्ट करना चाहते हैं, हमारा क्लिनिक है मनस्वी होम्योपैथिक क्लिनिक, पिपराली रोड, सीकर।
ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। यहाँ पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए हम एक बहुत मिनिमल सी फीस चार्ज करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो।